अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 3 और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मज़ीद बेसिस इन नंबर सिस्टम, और उन पर्टिकुलर बेसिस में हम कवर करेंगे ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, प्रीवियसली हमने बाइनरी नंबर्स डिस्कस किए थे, बेस 2 जिसे कहा जाता है। बाइनरी नंबर बेस 2 की कन्वर्जन हमने की थी डेसिमल नंबर्स में यानी बेस 10 में, और फिर हमने इसका रिवर्स भी करके देखा था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल, हमने दोनों कन्वर्जन किए। तो आज का टॉपिक हमारा है अदर बेसिस, और उन बेसिस में हम कवर करेंगे ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। ऑक्टल मीन्स बेस 8 नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल मीन्स बेस 16 नंबर सिस्टम। अच्छा, इनके इन दो स्पेशली बेसिस को कराने की वजह क्या है? जैसे जैसे आप अभी लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स क्यों कवर किए। ये भी सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। आप आगे जाएंगे तो आपको ऑक्टल नंबर से भी डील करना पड़ सकता है कंप्यूटर में, और अगर आप मेमोरीज या रैम या की बात करें, या आगे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर टाइप के कोर्सेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आप हेक्साडेसिमल नंबर्स में बात की। फायदा क्या है इसका, इस पर हम और लाइट अभी डालते हैं, आगे चल के देखते हैं। लेकिन समरी इसकी ये है कि ऑक्टल नंबर है आपके पास बेस 8, यानी इसमें अगर आप बात करते हैं बेस 8 कह रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें जो भी नंबर्स होंगे वो पावर ऑफ 8 होंगे। ठीक है, यानी 8 to the power n, इस तरीके से काम करेंगे। और चूंकि इसमें बेस 8 है, बेस 8 का मतलब ये है कि इसमें टोटल 8 नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेस 2 था बाइनरी, उसमें 2 ही नंबर होते थे 0 एंड 1। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डेसिमल होता था बेस 10, और उसमें टोटल 10 नंबर रिप्रेजेंट होते थे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर का, टोटल 10 नंबर का सेट होता है, तो इसलिए इसे बेस 10 कहा जाता है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होते थे 0 या 1, उसको इसलिए बेस 2 कहा जाता था। तो ऑक्टल नंबर बेस 8 है तो इसका मतलब इसमें टोटल आपके पास 8 डिजिट्स हैं, उन्हीं को मिला जुला के आपने कॉम्बिनेशन नंबर्स बनाने, और वो नंबर स्टार्ट वहीं 0 से होते हैं। और जाहिर सी बात है काउंटिंग करना अगर मैं शुरू करूँ तो टोटल 8 मेरा 7 पे जाके हो जाता है। तो इसमें आपके पास जो अलाउड नंबर हैं वो है 0 से लेकर 7, यानी आप कभी भी ऑक्टल नंबर के अंदर 8 और 9 नहीं लिख सकते डिजिट को। 8 और 9 इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर बट अ वैलिड डेसिमल नंबर। डेसिमल में हो सकता है 8 और 9, लेकिन ऑक्टल में 8 और 9 नहीं आएगा कभी। ठीक है, यानी 8 और 9 मुझे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा ये अभी आगे देख लेते हैं। यानी फिर मेरा जो है कैरी चला जाएगा और दूसरे यूनिट पे चला जाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह हेक्सा डेसिमल नंबर है बेस 16। हेक्सा डेसिमल से दो वर्ड्स आ रहे हैं, हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स डेसिमल का जो 10 होते थे, तो 10 + 6 = 16। ठीक है, तो इसमें वेट्स इन पावर ऑफ 16 होते हैं क्योंकि बेस 16 है, तो इसमें पावर ऑफ 16 चलती है। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे बाइनरी में पावर 2 2 2 थी, हर जगह पे आप पावर 16 कर देंगे। जहाँ जहाँ 2 था वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा हेक्साडेसिमल में 16 से, और ऑक्टल होगा तो वहाँ हर जगह 2 रिप्लेस हो जाएगा 8 से। पूरा प्रोसीजर, पूरी कन्वर्जन, पूरे फॉर्मूला, फंक्शनैलिटी सब वैसे ही है जैसे हमने लास्ट टाइम बाइनरी के लिए करा। अच्छा, हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज में अब बताया जा रहा है हेक्सा है डेसिमल, तो शुरू तो होगी काउंटिंग 0 से और जाएगी, ये कहाँ तक आपकी काउंटिंग जा रही है, 9 तक तो ऐसे ही चली जाएगी 0 से लेकर 9। तो ये तो हो गया आपके 10 डेसिमल नंबर। अब इसके आगे क्या किया जाता है? इसके आगे जो है मेरे पास नंबर्स नहीं होते बल्कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अल्फाबेट से, और अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ए से लेकर एफ तक। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ 0 जो हेक्साडेसिमल का है वो डेसिमल का भी 0 है, 1 है वो डेसिमल का भी 1 है, 2 डेसिमल हेक्साडेसिमल सेम, 9 तक मैं कहूँगा कि जो डेसिमल है वही हेक्साडेसिमल। लेकिन डेसिमल का 10 इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल का ए। ठीक है, समझें, यहाँ पे 10 नहीं लिखूंगा बल्कि मैं लिखूंगा ए। इसी तरह बी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल का 11, सी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल का 12, और डी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल का 13, ई डेसिमल का 14, और एफ रिप्रेजेंट करता है डेसिमल का 15। ठीक है, तो हेक्सा डेसिमल नंबर मेरे पास डेसिमल के आगे 6 आपके कैरेक्टर कह लेंगे अल्फाबेट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू एफ, एफ से आगे कुछ नहीं होता।
यानी अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर की बात करूं तो इसमें वैलिड रेंज ऑफ नंबर्स या अल्फाबेट्स ये है कि उसमें ए वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, लेकिन उसमें एडिशनली ए बी सी डी ई एफ में से भी कुछ आ सकता है, लेकिन सिर्फ ए से लेकर एफ तक आएंगे, जी एच आई जे या जेड एक्स ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। यानी वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, मैं कह रहा हूँ टू थ्री ए सी इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, लेकिन मैं कह दूँ टू थ्री ए जेड तो ये इट्स एन इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि जेड हेक्साडेसिमल की सेट में या रेंज में नहीं आता, जेड है ही नहीं, ए से लेकर सिर्फ एफ तक अलाउड। तो यहां तक बात समझ में आई कि ऑक्टल नंबर किसे कहा जा रहा है और हेक्साडेसिमल नंबर किसे कहा जा रहा है। जी क्लास, थोड़ा फीडबैक रिक्वायर्ड है यहाँ पर मुझे। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर आप ध्यान दें, ये ऑलरेडी मेरे पास जो नंबर गिवन है ये है बेस एट में गिवन है। यहाँ पे आप बेस क्लियरली देख सकते हैं, एट लिखे होने का मतलब ये है कि ये एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है, अपेरेंटली दिखने में 572 यानी 572.6 एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है, लेकिन अब चूंकि मैं यहाँ पे अलग अलग नंबर सिस्टम्स में काम कर रहा हूँ तो मुझे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी बेस को बिलोंग करता है। तो अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो वही बात है, ऑब्वियस हम कन्वेंशनली क्या है, बेस 10 एज्यूम करते हैं और मैं इसको एज्यूम कर लूंगा ये 572.6 एक नंबर है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ कि ऑक्टल है, ये डेसिमल नहीं है, तो यानी बेस में मैंने क्या लिख दिया, 8। और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि इस ऑक्टल नंबर को आप कन्वर्ट करके मुझे बताएं कि इसका डेसिमल इक्वेलेंट क्या आएगा। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट करके बताना चाह रहा हूँ इसका डेसिमल इक्वेलेंट क्या आएगा। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। कैसे फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है ये डेसिमल पॉइंट है तो ये वाला होगा पावर 0, ये वाला होगा पावर 1, ये वाला होगा पावर 2 और ये वाला डेफिनेटली होगा पावर -1। ठीक है, लेकिन किस चीज की पावर होंगे, इसकी बेस क्या लगी हुई आपके सामने, इसकी बेस है 8, इसकी बेस 8 है तो ये सब होंगे पावर ऑफ 8 में। तो यानी 5 को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर 2 से। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल नंबर है, बेस 8 है, तो मैं 8 की पावर से करूंगा, बाइनरी होता तो मैं 2 की पावर से करता। तो फिलहाल मेरे पास जो है ऑक्टल नंबर गिवन है और मैं इसको कन्वर्ट करके कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, डेसिमल। हमेशा जब भी आप डेसिमल में लेके जाएंगे तो यही फॉर्मूला है, बाइनरी होगा तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऑक्टल होगा तो 8 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और हेक्साडेसिमल होगा तो 16 से हो रहा होगा। या यूं कहता हूँ मैं, कोई रेंडम सपोजिट बेस हो, से बेस 5 होगी तो 5 की पावर से मल्टीप्लाई होगा। एक्स वाई जी कोई भी बेस हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास ये है 8 एंड 16, लेकिन फॉर्मूला रिमेन सेम। तो यहाँ पे 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 2 से। ठीक है, ये होपफुली सबको याद होगी बात के पॉइंट से लेफ्ट पे जब हम जा रहे होते हैं तो पावर इंक्रीमेंट हो रही होती है और राइट पे जा रहे होते हैं तो डिक्रीमेंट। और फिर उसके बाद 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो होगी 8 की पावर 1। ठीक है, 7 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 8 की पावर 1 से। इसी तरह 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर 0 से, और वो डेसिमल के बाद 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर -1 से। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 की पावर 2 8 8 64, 64 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो 320। इसी तरह से 8 7 8 56 और 8 पावर 0 इज 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। और अगर मैं 6 को डिवाइड कर देता हूँ 8 से, ठीक है, 6 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 0.75। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं। अगर 1 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो आता क्या है मेरे पास, 1 का हाफ होता है 0.5, और मजीद हाफ करूँ तो 0.25, और मजीद हाफ करूँ तो 0.125, और 0.125 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी 8, अगर वही वाली बात है सिंपल सी कि अगर मैं, मेरे पास एक कोई यूनिट है और उसको यूनिट कह लें, कोई भी चीज़ के मैं अगर 8 हिस्से करता हूँ तो उसमें से 6 हिस्से कितने बराबर होंगे, वो तकरीबन 75% हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ के 8 हिस्से हैं तो उसमें से 6 हिस्सों को अगर मैं एक साथ जोड़ लूँ तो वो 75% ऑफ दैट थिंग होंगे। ठीक है ना, ये बात, 2 होंगे 25%, 4 होंगे 50%, 6 होंगे 75% और
एट होंगे 100%, तो इसीलिए चूंकि 6 से लिए तो वो 0.75 आ जाएगा। इसको आप विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा इस कोर्स में, जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो इतनी टफ नहीं होगी, तो आपको मैनुअली पेपर पे करनी होगी। और एकदम एग्जाम से मुझे याद आया कि मोस्ट प्रोबेबली आपके मिड एग्जाम और फाइनल एग्जाम जो हैं वो फिजिकली हो ऑन कैंपस, रिगार्डलेस के आपका कितना कोर्स ऑनलाइन हुआ है और कितना कोर्स फिजिकल हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक बात थी, अब इसको याद रखिएगा कि प्रॉबली जल्दी हो सकता है फिजिकल की तरफ हम आ जाएं, लेकिन रिगार्डलेस आधा कोर्स हो पूरा हो, लेकिन मेड और फाइनल एग्जाम हमारे फिजिकल ही होंगे, ठीक है। तो एनीवेज ये थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड थी तो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। तो अब इसमें क्या है कि इस नंबर को सारों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 378.75, लेकिन इसकी बेस अब क्या हो चुकी है, बेस 10 हो चुकी, तो 572.6 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 378.75 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये दो नंबर इक्विवेलेंट हैं, लेकिन एक ऑक्टल बेस सिस्टम में है और एक डेसिमल बेस सिस्टम में, ठीक है। ये बात समझ आई कन्वर्जन कैसे हुई है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी क्लास, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन क्लियर है? ठीक, तो जिस तरह हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो नीचे मौजूद है एग्जांपल हेक्साडेसिमल नंबर, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बेस ने मुझे बताया कि भाई ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो परफेक्टली वैलिड है कि इसमें ए आ सकता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल की रेंज में ए आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बेस 16 के बजाय बेस 8 लिखा होता तो मैं कह देता नहीं ये इनवैलिड ऑक्टल नंबर है, ये वैलिड ही नहीं, क्योंकि ऑक्टल के अंदर ए कभी भी नहीं आता। या डेसिमल भी लिखा होता तो मैं कह देता इनवैलिड है, क्योंकि डेसिमल में भी ए नहीं है, तो बेस 16 में ए आता है, तो इसलिए ये परफेक्टली वैलिड एग्जाम्पल है। अब ये वैलिड है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, वही तरीकेकार है कि यह है मेरे पास पावर 0, यह है मेरे पास पावर 1 और यह है मेरे पास पावर -1, मजीद इसमें नहीं है तो सिंपल है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि बेस 16 है तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई किया है। और ए एक्चुअली अभी मैंने क्या बताया था किसके इक्वेलेंट है, 9 के बाद आता है हमारे पास, क्योंकि मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना तो मैं डेसिमल इक्वेलेंट लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। मैं ए भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर आपको बाद में अगले स्टेज में जाके उसको ए को रिप्लेस करना पड़ेगा 10 से, आप ए लिख लें। ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 की पावर 0 से, ठीक है, और 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 की पावर -1 से। जी ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 16 की पावर -1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 32, सिंपल। ए और ये 16 की पावर 0 होता है 1, ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज ए, और ए एक्चुअली इक्वेलेंट होता है 10 के, क्योंकि अब मैं डेसिमल में जा रहा हूँ तो मैंने ए का डेसिमल इक्वेलेंट लिख दिया 10। और 1/16 यानी डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये रह जाता है 1/2, और 1/2 इज इक्वेलेंट टू 0.5, तो ये बन जाएगा मेरे पास टोटल 42.5 इन बेस 10, ठीक है, यानी 2a.8 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वेलेंट टू 42.5 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये दोनों इक्वेलेंट है, लेकिन फर्क क्या है, बेसिस का, यानी नंबर सिस्टम्स का फर्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल हमने पढ़ा था डेसिमल और बाइनरी, तो आज हम बात कर रहे हैं डेसिमल और हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड ऑक्टल की बात कर, दोनों इक्वेलेंट हैं लेकिन नंबर्स की सिस्टम्स अलग अलग हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर और ज्यादा हाई लेवल या एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे बात करूं, कि लैंग्वेज का फर्क है, समझ, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं से चेयर,
तो चेयर इंग्लिश में है, मैं उर्दू में कुर्सी कहूँ, दोनों का मतलब एक ही बात है। मैं बात करता हूँ वो से स्टूडेंट, या उर्दू में कह दूँ शागिर्द, तो दोनों का मतलब एक ही बात है, लेकिन लैंग्वेजेस का फर्क है, ठीक है, बट दे बोथ मीन्स द सेम थिंग, एक ही चीज को पॉइंट कर। तो इसी तरह नंबर सिस्टम में क्या है, ये दो अलग अलग नंबर सिस्टम इज लाइक टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप अज्यूम कर सकते हैं हाई लेवल पे, लेकिन दोनों इस वक्त सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल की डेसिमल में कन्वर्जन में कोई कंफ्यूजन, या कोई क्यूरी है, या क्लियर है, जो भी आपका फीडबैक है वो। ठीक है, तो फीडबैक में क्लियर है आ रहा है, और एक्सपेक्टेड भी यही था, क्योंकि इतनी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, और जिसने पिछला लेक्चर लिया था उसको फॉलो करना आसान होगा, और जिसने मिस कर दिया था तो उसके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद थी, उसने रिकॉर्डिंग देख ली होंगी तो उसको फिर भी समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जी बिल्कुल, टू अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, ए बी सी डी भी लिखा आ सकता है, ठीक है, ए बी सी डी लिखा और मैं उसको कहूँ कि डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, तो किसी भी किस्म का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता। अच्छा, अब हमारे पास हेडिंग है, डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में, या डेसिमल को रिवर्स करना है हेक्साडेसिमल, यानी हमने दोनों तरीके पढ़े थे ना, पहले हमने पढ़ा था के बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करनी है, तो वो हमने बेस टू वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके कर दिया था। फिर हमने रिवर्स प्रोसेस भी पढ़ा था कि डेसिमल नंबर को वापस बाइनरी में कैसे लाना है, तो उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, रिपीटेड डिवीजन मेथड एंड रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था कि होल नंबर पार्ट की कन्वर्जन के लिए होता है, और रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन मेथड हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए होता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर पे भी आप वही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर आपको डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप 8 से उसको डिवाइड करना शुरू कर दें होल नंबर पार्ट को, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, तो इवेंचुअली जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसको आप डेसिमल पॉइंट से सेपरेट करते हुए लिख दें। हेक्साडेसिमल में बिल्कुल ऐसे ही है, बस अब डिवाइड करना पड़ेगा आपको 16 से, और मल्टीप्लाई जब करना होगा तब भी करना होगा 16 से। तो ये मैं मेरा ख्याल नहीं करके बताऊंगा, और ये आपको मिलेगा एक असाइनमेंट की सूरत में। असाइनमेंट में आपको क्या मिल रहा है कि आपको एक नंबर गिवन है जो कि डेसिमल नंबर है, ठीक है, बेस 10 मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, और आप भी इस लेक्चर में जब भी नंबर से डील कर रहे होंगे तो आप बेसिस जरूर लिखेंगे, क्योंकि बेसिस मिस करने पे आपके नंबर डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा ये नंबर कौन से सिस्टम की बात हो रही है, मतलब इस नंबर में से अगर मैं बेस 10 हटा के से बेस 16 लगा दूं तब भी ये परफेक्टली वैलिड नंबर है ना, वैलिड। तो इसलिए आपको बेस लिखना जरूरी है ये बताने के लिए कि आपने जो कन्वर्जन की है वो किस बेस में आई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बेस 10 हटा के बेस 8 लगा दूँ तो क्या ये वैलिड नंबर होगा, यानी अगर मैं इस जगह पर 16 लिखता हूँ तो ये परफेक्टली वैलिड है मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस जगह पर 8 लिख दूँ, यानी इस जगह पर बेस 8 कर दूँ, तो अब आप लोगों से ऐसे एक सवाल है, बताइए ये वैलिड नंबर होगा या नहीं। ठीक है, मेरे पास जवाब आया नहीं, ये वैलिड नंबर नहीं होगा, और इसका रीजन भी आया है, बिल्कुल सही रीजन है कि 8 अलाउ नहीं है, मैक्सिमम मैं ऑक्टल में 7 तक नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हो सकता है मुझसे कोई टाइप हो जाए, हो भी सकता है, तो आप अगर कहते हैं कि सर ये तो गलत है नंबर सही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ध्यान में पूरी बात होनी चाहिए कि 8 इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर, तो ये बेस 8 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यही टेस्ट करना चाह रहा था कि आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये बेस 10 में दिया हुआ, और आपको कहा इसको ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, और नीचे बता दिए टिल 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ठीक है। तो टिल 5 डेसिमल प्लेसेस क्यों कहा गया, कि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन से, तो
तो आपको मैंने बताया था पिछली एग्जांपल जो हमने करी थी उसमें, तो वो कम्प्लीटली जो है सेचुरेट हो गया था, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिजल्ट मेरा 0 हो गया था, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस एग्जांपल में हो सकता है आप मल्टीप्लाई करते जाएँ करते जाएँ, डेसिमल प्लेसेस बढ़ते जाएँ, हो सकता है ना बढ़ें, लेकिन अगर बढ़ रहे होंगे तो मैंने कहा टिल 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करना है, इससे ज़्यादा आगे आपने नहीं जाना है। होल नंबर तो होल हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में अगर आप वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड चलाते जाएं तो वो इन्फिनिटी तक चल सकता है, तो आपको उसको मैंने कहा कि 5 डेसिमल प्लेसेस की प्रिसीशन पर रोक लें। ठीक है, मैं इसका फॉर्मल जो है असाइनमेंट वो भी अपलोड कर दूंगा LMS पर, उस पर क्लियरली मार्किंग भी मैंशन होगी और किस CLO को बिलोंग करता है ये सब चीज़ें भी मैंशन होंगी। ठीक है, तो उसको आप हेडर को अपने असाइनमेंट में अटैच करेंगे। ठीक है, तो और असाइनमेंट ड्यू होगा हमेशा 1 वीक डेडलाइन मिलेगी, यानी आज ही वेटनेसडे को मिला है तो नेक्स्ट वेटनेसडे ही ड्यू। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ी सी मैंने हिंट दे दी आपको कैसे करना है, बाकी आप लोग ये खुद ट्राई करें। अच्छा, अब आते हैं असल में बाइनरी ऑक्टल पढ़ने की वजह पर। देखिए, बाइनरी नंबर अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, ये टॉप पे लिखा हुआ है, ये नंबर ये लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ जरा इसे मेमोराइज करें, आप मेमोराइज कर लेंगे इसे जी क्लास, क्या ख्याल है इसको? अगर मैं आपसे कहूँ जरा एक मरता दोहराए मेमोराइज कर ले, मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बता पाएंगे क्या था? नहीं, ये ह्यूमनली मेमोराइज करना नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन ये नहीं कर सकते, और इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। ठीक है, इसे याद नहीं रखा जा सकता, तो फिर क्या किया जाए? तो होता ये है कि, और एक तो रिमेम्बर करना भी मुश्किल है, और इसको जब मैं बार बार कॉपी पे लिखता हूँ तो क्या होता है, मुझे इतने सारे डिजिट लिखने पड़ते हैं, 10 10 10, तो मेरी काफ़ी इसमें एफर्ट्स भी लग रहे होते हैं, और लिखते लिखते हो सकता है मैं एक 1 का 0 0 का 1 मिस कर जाऊं, तो मेरे रिजल्ट में एरर के चांसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मसले आ सकते हैं। कंप्यूटर तो बाइनरी में ही चल रहा है, लेकिन ह्यूमन के लिए बाइनरी से डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे 1 0 1 0 करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या आता है, तो इस जगह पे आपके पास एक्शन में आते हैं ये ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी जो हमने पढ़े ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये क्यों पढ़े? क्योंकि ये भी देखा जाए तो इन पावर ऑफ 2 ही है। ठीक है, ऑक्टल का मतलब होता है 2 की पावर 3 8, ठीक है, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 2 की पावर 4 यानी 16। तो ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम के ही शॉर्ट हैंड्स हैं। ठीक है, यानी मैं अगर चाहूँ तो बाइनरी नंबर को कम डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज ए ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर विदाउट एनी एफर्ट्स, यानी मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, मैं एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इजीली। और ऑक्टल नंबर को रिलेटिवली याद रखना मेरे लिए आसान है, उसमें एरर के चांसेस भी कम है, और बार बार अगर उसे मुझे लिखना पड़े तो मुझे मसला नहीं होगा। तो ये है इसके पीछे की साइंस, के बाइनरी नंबर से हंड्रेड्स ऑफ बिट्स लिखी हुई, तो हंड्रेड्स ऑफ बिट्स को लिखने में मुझे हंड्रेड डिजिट्स लिखने पड़ेंगे, कहीं पे एक 1 0 मिस हो गया तो मेरे रिजल्ट में मसला आ सकता है, और मेमोराइज करना हो तो वो भी बड़ा मुश्किल है। तो बाइनरी कंप्यूटर के लिए आसान है, ह्यूमन के लिए मुश्किल है। तो जहाँ पे हम कंप्यूटर से निकल कर थोड़ा पेपर पेंसिल अप्रोच पे आते हैं, या ह्यूमन डील कर रहे होते हैं बाइनरी सिस्टम में, तो वो प्रेफर करते हैं डायरेक्ट बाइनरी लिखने के बजाय उनका शॉर्ट हैंड नोटेशन, यानी ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर या हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज करें, क्योंकि दे आर मोर ह्यूमन फ्रेंडली। ठीक है, दे आर मोर ह्यूमन फ्रेंडली। बिल्कुल, हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ आपको। अगर आपके सामने ये एग्जांपल लिखी हुई है तो कह रहे हैं कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? आप बाइनरी नंबर को 3 3 के ग्रुप में ब्रेक कर दें। 3 के ग्रुप में क्यों ब्रेक कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 8 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू क्या है, 2 टू द पावर 3। यहाँ पे मैजिक क्या है, 3 नंबर 3 जो है वो मैजिक नंबर है, यानी अगर मैं बाइनरी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो बाइनरी नंबर्स को 3 3 के ग्रुप में ब्रेक करूँ। सिमिलरली जब मैं हेक्साडेसिमल की बात करूंगा तो हेक्साडेसिमल में क्या है,
मैजिक वर्ड क्या आएगा मेरे पास, 2 to the power 4। तो हेक्साडेसिमल में मेरे पास मैजिक नंबर होगा 4, तो उधर मैं ग्रुपिंग कर दूंगा 4 4। ठीक है, फिलहाल तो मैं ऑक्टल की बात कर रहा हूँ, तो कहा जा रहा है आप अपने बाइनरी नंबर्स को ब्रेक कर दे इन ग्रुप ऑफ 3। लेकिन कहाँ से, लेफ्ट से करूँ, राइट से करूँ, कहाँ से करूँ? तो इसको अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। हमेशा ग्रुपिंग स्टार्ट होगी डेसिमल पॉइंट की तरफ से। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे अगर जा रहे हैं तो 3 का ग्रुप बनेगा एक ये, फिर 3 का ग्रुप बनेगा एक ये, फिर 3 का ग्रुप बनेगा एक ये। क्यों यहाँ से स्टार्ट किया था, अब आपको जवाब मिल जाएगा। और अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके 3 नंबर नहीं बचे बल्कि 2 बचे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप खुद से यहाँ पे 0 को लगा देंगे। ठीक है, खुद से क्या करेंगे, 0 को लगा देंगे और ये नंबर आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 इस तरफ लगाने में कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल ऐसे दूँ कि मैं लिख रहा हूँ 25। ठीक है, 25 में अगर मैं इस तरफ 0 लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 250। ठीक है, ये इसका वेटेज चेंज हो जाएगा, अब ये 25 नहीं बल्कि 250 बन जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं 0 इधर लगा दूं तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं, इट विल बी स्टिल 25, क्योंकि 0 को अगर मैं लेफ्ट साइड पे लगाता हूँ तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नंबर मेरा स्टिल 25 रहेगा। यानी या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं डेट्स लिखता हूँ ना अक्सर, जैसे आज डेट है 2nd of June और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 2021। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 2 तारीख है जून की और 2021। कुछ लोगों का अपना होता है, वो डेट ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्लूडिंगली। मैं कहता हूँ कि मैं इवन रखना चाहता हूँ, इसको भी मैं 06 लिख दूँ और इसको भी मैं 02 लिख दूँ, तो स्टिल इट इज 2nd June 2021। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ कि पैड कर देता हूँ 0 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने 3 3 के ग्रुप में ब्रेक कर दिया। तो लेफ्ट साइड चला मैं डेसिमल से, ये तो ठीक है, हो गया उन चीजों के लिए जो के थे मेरे होल नंबर पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करूंगा, मैं इस तरफ चलना शुरू करूंगा। ठीक है, 3 का पेयर बनाया और 3 का, इधर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर इधर भी पड़ती तो मैं 0 पैड कर देता, क्योंकि डेसिमल फ्लोटिंग नंबर में आप आगे जितने मर्जी 0 लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रहे कि डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से, डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होंगे, ये वाली चीज इस तरफ चलेगी और ये वाली चीज इस तरफ से पेयर बनाना शुरू करेंगे, यानी पेयरिंग 3 3 की इस तरफ से शुरू होगी। और ये जो अभी मैंने बात की, इसका मतलब ये है कि 0.269 लिखा हुआ। ठीक है, ये नंबर है 0.269, अगर इसके आगे मैं 0 लगा दूं तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक और 0 भी लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल इसलिए इसमें अगर मुझे पैड करना पड़ेगा तो मैं राइट साइड पे पैड करूंगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो मैं राइट साइड पे पैड करता, और जो होल नंबर पार्ट है उसमें मैं लेफ्ट साइड पे पैड करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। इससे मेरे नंबर पे, रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैडिंग सिर्फ इसलिए कि मुझे उसको कंप्लीट सेट दिखाना होता है, कंप्लीट दिखाने के लिए मैं उसमें पैड कर देता हूँ, लेकिन उससे नंबर की सिग्निफिकेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या किया, अपने बाइनरी नंबर को 3 3 के ग्रुप में तोड़ दिया। जब 3 3 के ग्रुप में टूट गए तो यही लिखा हुआ है, देख लें आप, ये 3 3 के ग्रुप में तोड़ के लिख दिया गया। ठीक है, और ये 0 पैड भी कर दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 0 पैड भी आ गया, और ये राइट हैंड साइड को 3 3 के ग्रुप में ब्रेक कर दिया। अब सिर्फ मुझे क्या करना है कि ये बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर इक्वेलेंट लिखना है। तो अब ये बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करूँ, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे ऑक्टल में कह लें या डेसिमल इक्वेलेंट कह लें, क्योंकि सबसेट ही होता है ऑक्टल डेसिमल का। अब मुझे इसके नंबर इक्वेलेंट ऑफ ऑक्टल लिखना है, मुझे तो जुबानी याद है क्योंकि मैं तो पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन आप भी जैसे जैसे कोर्स पढ़ते जाएंगे तो आप भी ये नंबर डायरेक्टली लिख पाएंगे। ये जो कोड लिखा हुआ है 010, ये इक्वेलेंट होता है 2 के। अभी मैं आगे आपको चार्ट भी दिखा दूंगा। 111 कोड होता है इक्वेलेंट 7 के। 011 कोड इक्वेलेंट होता है 3 के। और 001 इक्वेलेंट होता है 1 के। 101 इक्वेलेंट होता है 5 के। और 110 इक्वेलेंट होता है
सिक्स ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप कैसे कर पाएंगे? तो अगर मैं इस नंबर को कह रहा हूँ ये एक ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर वही वाली बात है, ये पावर जीरो है, ये पावर वन है और ये पावर टू है, तो इसको सेवन मैंने कैसे कन्वर्ट किया? ठीक है, अच्छा ध्यान रहे ये बाइनरी को मैं कन्वर्ट करूँ, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, तो बाइनरी को लेके जाना है मुझे इसमें, तो ये होगा टू की पावर टू प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर जीरो, ठीक है, और सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे वन भी लिख लिया आपकी आसानी के लिए, अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो सब वन से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास फोर, ये बन जाएगा मेरे पास टू और ये बन जाएगा मेरे पास वन, तो ये टोटल इक्वेलेंट हो जाता है सेवन के, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस नंबर की बात कर दूँ तो इसमें लास्ट वाला तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होने का मतलब है ये वाला फैक्टर इसमें से माइनस हो जाएगा, ये फैक्टर नहीं आएगा, यानी इसमें वन नहीं आएगा, और वन नहीं आएगा तो ये बनेगा मेरे पास सिक्स, ठीक है। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, यही कन्वर्जन करनी है, लेकिन मैंने बताया ना जैसे कि मैं तो अभी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन आप भी ऐसे ऐसे जब ये कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कन्वर्जन आप भी जहन में ही कर लेंगे, आपको पेपर यूज़ करना नहीं पड़ेगा। जी ये टेबल आपको याद हो जाएगा, अभी मैं आगे टेबल आपको दिखा भी देता हूँ, आपको ये टेबल अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये टेबल खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि आज तो पहला दूसरा लेक्चर है तो अभी याद नहीं होगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन मैंने बता दिया कि बैकग्राउंड में होता क्या है, बैकग्राउंड में ये नंबर इस तरीके से मैंने लिख किस तरह दिए, इसी तरह से कन्वर्जन होंगे, लेकिन मैं इतना यूज टू हो चुका हूँ कि ये कन्वर्जन मैं जहन में ही कर लेता हूँ, इतनी आसान है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी ऐसा होगा ये कन्वर्जन अपने जहन में ही कर लिया करेंगे, आपको हर मरतबा इतनी इतनी सी चीज़ों के लिए पेपर पेंसिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ा सा पेस को फास्ट करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इस नंबर को मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो ये बेस टू में है और ये बेस एट में है, बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं ये ऐड होगा, ये तीन ऐड होंगे, ये तीन ऐड होंगे अलग अलग, ठीक है, ध्यान रहे अलग अलग नंबर्स में मैंने ब्रेक कर लिए, सारे आपस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, सब आपस में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ये देखो ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, ठीक है, ये अलग अलग ऑक्टल नंबर्स हैं, तो इनको सबको आपस में ऐड नहीं करना, वरना तो ये एक नंबर डेसिमल का दे देगा, मुझे डेसिमल में नहीं जाना, मुझे बेस एट में जाना है, जी बिल्कुल, बाद में ब्रेक करने के बाद ऐड नहीं होगा, ठीक है, इंडिविजुअली आपस में ऐड होंगे, यानी तीन डिजिट्स तीन डिजिट्स तीन डिजिट, लेकिन वो सारे सारे ग्रुप आपस में ऐड नहीं होंगे, अच्छा, तो ये हो गई मेरे पास बाइनरी से ऑक्टल में जाने की कन्वर्जन, ठीक है, क्यों करी, मैंने बताया रीजन कि बाइनरी नंबर को ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, मेमोराइज भी नहीं हो सकते, लिखते हुए गलती हो सकती है, हैंडल करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टल। अब अगर मैं आपसे कहूँ आप मेमोराइज करें नंबर, आप एक नज़र देखेंगे 2731.6 और आपको ये नंबर याद होगा, इसके बरक्स ये वाला नंबर आप मेमोराइज कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल, तो ये फायदा हुआ है बाइनरी और ऑक्टल नंबर शॉर्ट हैंड, क्योंकि दोनों इन पावर ऑफ टू रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। और रिवर्स करना हो तो रिवर्स में भी वही वाली बात है कि आप हर नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तीन तीन के पेयर में, ठीक है, हर नंबर को आपने तीन तीन के पेयर में रिप्रेजेंट किया, ये आसान है, तीन तीन के पेयर में रिप्रेजेंट किया और बीच में ये जो स्पेस है ना इसको हटा दें सिंपली, तो कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, एक बड़ा सा नंबर बन जाएगा, ठीक है। मैंने टू को रिप्रेजेंट किया, जीरो वन जीरो सेवन को रिप्रेजेंट किया, वन 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 थ्री को रिप्रेजेंट किया, 0111 को रिप्रेजेंट किया, 001 पॉइंट लगाया, 5 को रिप्रेजेंट किया, 1016 को रिप्रेजेंट किया, और फिर इन सारों के बीच में ये जो स्पेस मौजूद है ना इसको हटा दिया, तो ये देखें ये रिजल्ट आ गया। तो ऑक्टल को बाइनरी में लेके जाना तो कोई मसला है ही नहीं, मुझे सिर्फ बीच में जो मैंने शुरू में इस बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के स्पेसेस ऐड कराए थे, तो ऑक्टल टू बाइनरी करते वक्त वो जो बीच में स्पेसेस हैं उनको वहां से रिमूव कर दें, जी उस पर आता हूँ अभी, ठीक है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पे भी आता हूँ, उसमें एक स्टेप एडिशनल आ जाएगा, ठीक है, अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। तो
फिलहाल तो हमने क्या करा, बाइनरी और ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन देख ली, ठीक है। तो इसी तरह वही वाली बात है, जब हेक्साडेसिमल आएगा तो हेक्साडेसिमल में भी आपको समझ में आ गई होगी कि अब मुझे ग्रुपिंग तो करनी है, लेकिन ग्रुप कितने का होगा, चार चार का बनेगा। अब अगर इसमें मैं आपको ग्रुपिंग दिखाऊं तो इसकी ग्रुपिंग देख लेते हैं। इसकी ग्रुपिंग जब मैंने स्टार्ट की यहाँ से, तो ये चार का ग्रुप बना, ये चार आ गए इसमें, फिर ये चार आ गए इसमें, और फिर यहाँ पे देखो सिर्फ बचे तीन, तो इसमें एक मैं जीरो पैड कर लूंगा। राइट साइड पे देखूँ तो ये देखो चार आ गए, अब इधर देखो सिर्फ दो बचे हैं, तो इसमें दो जीरो मैं अपने आप से पैड कर दूंगा। तो आप अगर ध्यान दें तो ये वाले नंबर में देखें आप, लास्ट वाले में ये जीरो एडिशनली पैड हुआ हुआ इधर, और इसमें लास्ट में देखें तो यहाँ पे दो जीरो एडिशनली पैड हुए हैं। और मैंने अभी ये करके आपको बता दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर की सिग्निफिकेंस पे। तो इसमें क्या है, मैंने कन्वर्जन की चार चार के ग्रुप में, और चार चार के बाद वही फार्मूला मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया। 0101 इज इक्वल टू 5, 1101 इज इक्वल टू ये होता है 13 होता है, और 13 इज इक्वल टू डी, ठीक है। मैंने वही चार्ट देखा कि 13 इक्वल टू डी होता है, और 10119 होता है, और 1011 ये हो गया मेरे पास आपका 11, 11 होता है मेरे पास बी, तो मैंने यहाँ बी लिख लिया, और 1000 इज 8 मेरा ऐसे ही आ गया। लेकिन अब यह है बेस 16, ठीक है। बेस 16 में जाना है अगर बाइनरी को लेकर, तो बाइनरी में जाहिर सी बात है मैंने बताया ना 2 to the power 4, तो मुझे चार चार बिट को एक साथ ग्रुप करना पड़ेगा। ऑक्टल होता है 8, तो उसमें मुझे तीन तीन बिट्स को ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह रिवर्स प्रोसेस इसका भी वैसे ही होगा, आप हर इसको ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और फिर इवेंचुअली क्या करेंगे, सबके बीच में से जो स्पेसेस है उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। जब आप स्पेसेस रिमूव कर देंगे, अच्छा आता हूँ क्वेश्चन एक आया हुआ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। जब आप स्पेसेस रिमूव करेंगे तो आपके पास ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें आपने क्या क्या यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ पे से ये जो पैडेड जीरोस थे ये सब हटा दिए, आप ये जीरो भी हटा देंगे, और आप चाहें तो ये तीनों हटा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से तीसरा नहीं हटाया क्योंकि मैं वो क्वेश्चन से मैच करना चाह रहा था, लेकिन ये तीसरे की भी कोई, इस जीरो की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मैंने क्यों नहीं हटाया कि मैं इसको एग्जैक्टली इससे मैच करना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली आप कन्वर्जन करेंगे तो आप इस जीरो को भी ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि मैं कितने जीरो आगे पैड करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया हुआ था मेरे पास, रखिए आते हैं, फाइव तक आते हैं, मतलब बात नहीं समझा मैं, मैक्सिमम नंबर 5। ये क्वेश्चन किसने किया है, क्वेश्चन किया है ये रजा ने, रजा क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम 5 तक आते हैं, बात नहीं समझा मैं आपकी। अभी भी नहीं समझा हूँ, क्या आपका अनम्यूट कर दूं, आप क्वेश्चन करना चाहेंगे वर्बली। जी रजा, आपका सवाल अभी भी क्लियर नहीं है मुझे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा चलें ठीक, एनीवेज हेक्सा में चार के ही आएंगे, ठीक है। ग्रुप अगर आप ये जानना चाह रहे हो, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आई, हेक्सा में हमेशा चार के ही ग्रुप आएंगे, ठीक है। और कितने भी हो सकते हैं हेक्साडेसिमल, 5 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 6 डिजिट भी हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे ऐसी एग्जाम्पल ली जो मैं इससे अपना जो व्यू है पीपीटी का इसके अंदर दिखा सकते, ठीक है। हेक्सा में चार के ही रहेंगे, 5 नहीं हो सकते। ऑक्टल में 3 ही रहेंगे, 4 नहीं हो सकते। 4 हमेशा हेक्सा के लिए ग्रुपिंग है, 3 हमेशा ऑक्टल के लिए ग्रुपिंग है। 5 जैसा हम कुछ नहीं पढ़ रहे, क्योंकि 5 जैसा सिस्टम है ही नहीं हमारे पास। 5 अगर होगा तो वो फिर 32 बन जाएगा, यानी 2 to the power 5 वाले होगा, तो वो फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम ऑक्टल और हेक्सा में ही रखेंगे, ये मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है और यही ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। और दोनों ही शॉर्ट हैंड है, और दोनों का पर्पस सेम है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन के लिए मुश्किल होती है, तो हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल पर चले जाते हैं। और इन जनरल कन्वर्जन बिटवीन बेस कैन बी डन वाया डेसिमल सिस्टम। इन जनरल वही कहा जा रहा है कि आप पहले से एक बेस एक्स है, एक्स का मतलब कोई भी बेस हो, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम फेमिलियर हैं या नोन हैं
डेसिमल सिस्टम्स। और ये कन्वर्जन कैसे होती है, किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है, आप उस बेस की पावर से, जैसे बाइनरी था तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते करते सारे रिजल्ट्स को ऐड कर लेते थे। तो बेस एक्स का मतलब है आप एक्स की पावर से मल्टीप्लाई करते करते उसको ऐड कर लेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट। और डेसिमल से अगर किसी भी बेस में आने से, अगर मैं आपको कहूं कि एक नंबर आपको गिवन है वो है बाइनरी में गिवन है, या मैं कहता हूं उसे आपको बेस 8 में गिवन था, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 8 की पावर से मल्टीप्लाई करते करते, अब आपको मैं कह रहा हूं कि अब आप बाइनरी में चले जाएं, तो सिंपल आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो जनरल फार्मूला क्या है, किसी भी बेस से अगर आपको कन्वर्जन करके जाननी है तो आप डेसिमल में पहले इंटरमीडिएट स्टेप, फिर डेसिमल से दूसरी बेस में चले जाएं, तो ये आसान तरीका है। लेकिन जो बेसिस इन पावर ऑफ 2 हैं उनकी कन्वर्जन डायरेक्टली हो जाती है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि बाइनरी को ऑक्टल में करना आसान है, मुझे डेसिमल में आने की जरूरत नहीं है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना आसान है, मुझे डेसिमल में आने की जरूरत नहीं है। तो अगर सारी पावर इन बेस 2 हैं तो फिर ये डेसिमल में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली फार्मूला यही होता है कि पहले आप डेसिमल में आए और फिर डेसिमल से दूसरी बेस में चले गए। ठीक है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन करनी है, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि अगर मेरे पास ऑक्टल नंबर है और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ऑक्टल, तो ये बहुत आसान है। कैसे, पहले तो स्टेप वही किया मैंने, ये जो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल है तो इसका मतलब हर डिजिट 5 बिट्स में रिप्रेजेंट होना चाहिए, हर डिजिट 4 बिट में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो 5 को भी मैंने रिप्रेजेंट किया 4 बिट में, हालांकि 5 3 बिट में रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन चूंकि हेक्साडेसिमल था मैंने खुद ही 0 पैड करके 4 डिजिट में लिखा, फिर इसे भी 4 डिजिट में लिखा, फिर इसे भी 4 डिजिट में लिखा, हर नंबर को मैंने 4 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि ये है बाइनरी में आया है, ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ बाइनरी में आया। फिर मैंने क्या किया, बीच में से ये जो स्पेसेस थे सब हटा दिए और ऐसे लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैंने स्पेसेस रिमूव किए हैं, स्टिल ये किस में है, बाइनरी में ही है। ठीक है, अब ये बाइनरी में है और मुझे इसको कन्वर्ट करना था किस में, ऑक्टल में, तो मैंने क्या किया, इसमें ग्रुपिंग कर ली 3 3 की, यानी अब ग्रुप ऑक्टल में जाना था तो मैंने 3 का ग्रुप ये बना दिया, 3 का ग्रुप 1 ये बन जाएगा, 3 का ग्रुप 1 ये भी बन जाएगा, और इसमें भी 3 का ग्रुप 1 ही आ जाएगा। यानी अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूँ ग्रुपिंग, तो इसी बाइनरी में मैंने क्या किया, 3 3 के ग्रुप बनाना, और स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर करना है तो ये 3 का एक ग्रुप आ जाएगा, और ये 3 का एक ग्रुप आ जाएगा, और ये 3 का एक ग्रुप आ जाएगा, और ये 3 का एक ग्रुप आ जाएगा। यानी पहले 4 4 के ग्रुप से मैंने बाइनरी में आया और फिर बाइनरी को मैंने क्या किया 3 3 के ग्रुप में कर दिया, तो इस तरीके से मैंने हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, और ये जीरोज की जरूरत है नहीं, लेकिन लिख दिया मैंने, चलो लिखे हुए थे तो एज इट इज आ गया, 0 का मतलब 0 ही आ जाएगा। और फिर फाइनली मैंने क्या किया, वही 3 3 बिट्स को कन्वर्जन कर ली जैसे पीछे। इसी तरह बिल्कुल रिवर्स करना हो, ऑक्टल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो पहले जो ग्रुप बनेंगे वो बनेंगे आपके 3 3 के ग्रुप में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, ये 3 3 के ग्रुप में रिप्रेजेंट हो गया, यहाँ आ गए 3 3 के ग्रुप में, और फिर 3 3 के ग्रुप में से मैंने स्पेसेस हटा लिए तो ये मेरे पास कंप्लीट बाइनरी बन गया, ये कंप्लीट बाइनरी आ गया, स्पेसेस नहीं है, ठीक। और फिर इसमें मैंने हर नंबर को 4 4 में रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये 4 में यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट हुआ ये आ गया, ये यहाँ से रिप्रेजेंट हुआ ये आ गया, और ये यहाँ से रिप्रेजेंट हुआ 4 4 का ग्रुप, तो ये आ गए तीनों 4 4 वाले ग्रुप पेयर्स। और फिर इसको कह रहा तो ये यहाँ आ गया, और इसको किया तो ये यहाँ तक चला गया, 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं तो मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, तो ये बन गए 2 ग्रुप्स, और इसको मैंने हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन भी डायरेक्टली बाइनरी से ही हो सकती है, बस एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, लेकिन इसमें भी मुझे बाइनरी में जाने डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को आपस में ही कन्वर्जन कर सकता हूँ विदाउट दैट कन्वेंशनल मेथड के पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर मैं डिवाइड करूँ, वो प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मेरी सारी जो बेसिस हैं वो पावर ऑफ 2 में आ रही है, ठीक है। तो एक बेस 4 भी मैंने लिख दिया, बेस 4 भी आप बना सकते हैं लेकिन होती नहीं है नॉर्मली, बेस 4 का मतलब है 2 2 बिट्स के पेयर उठेंगे, सही है, लेकिन होती नहीं। तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल और बाइनरी की कन्वर्जन तो कन्वेंशनल मेथड के बगैर भी हो जाती है, यानी डायरेक्टली पेयरिंग कर दूं मैं, सिर्फ ग्रुपिंग कर दूं अनग्रुप कर दूं काम बन जाता है। जबकि अगर
अदर देन दिस बेसिस हो, से मैं कहता हूँ बेस 5 को कन्वर्ट करें बेस 7 में, तो फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले डेसिमल में जाना पड़ेगा कन्वर्ट करके, फिर वापस दूसरी बेस में डिवाइड करके आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? कन्वर्जन्स ऑफ बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, और अगर मिक्स हो रहा हो तो परेशान नहीं होगा, इसको रिकैप कर लीजिएगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको बार बार देखेंगे तो जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगा। जी क्लास, यहाँ पे थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड है, कुछ कन्फ्यूजन या क्लियर है या कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स गुड, क्लियर है। अब आगे मैं आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ, जिस टेबल की मैं बात कर रहा था, तो इस टेबल से आपको आइडिया होगा कि हमने क्या किया। अच्छा, ये टेबल मैं चाहूंगा कि आपको ना याद हो जाए आस्ते आस्ते। क्यों याद हो जाए? क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे 16 तक की काउंटिंग। ठीक है, 16 क्यों चाहिए? 4 बिट्स के अंदर 16 तक के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 15 एक्चुअली। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो मैंने सारे नंबर सिस्टम साथ साथ लिख दिए कि ये किसके इक्वेलेंट होता है। ये तो मैंने कल आपको बताया ही था, ये वाली चीज आपको याद होगी कि ये नंबर कैसे आते हैं। सबसे पहले वाला 1 के डिफरेंस से स्वैप हो रहा होता है, चेंज होता है, दूसरे वाला 2-2 के डिफरेंस से, तीसरे वाला 4-4 के डिफरेंस से, और लास्ट वाला 8-8 के डिफरेंस। तो ये आपको पता है, और ये इसके अगेंस्ट इसके बाइनरी लिखे हुए, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था चार्ट में कि ये इक्वेलेंट होता है 0 के, ये इक्वेलेंट होता है 1 के, ये इक्वेलेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 0 से लेकर 15 तक की काउंटिंग होती है। ये वाला हिस्सा हमने कल देख लिया। आज हम बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल और ऑक्टल की। तो अगर हेक्साडेसिमल में ध्यान दें तो ये देखें 0 से लेकर 9 तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेसिमल का था, लेकिन उसके बाद इसमें ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है। ठीक है, ए मीन्स डेसिमल इक्वेलेंट ऑफ 10, बी मीन्स 11, सी मीन 12, डी मीन्स 13, ई मीन 14 एंड एफ मीन्स 15। ठीक है, तो ये भी आपने मैप कर लिया, आपने कहा ठीक है 9 तक वैसे ही चलूंगा, और जहन में आपने मैपिंग कर ली 10 मीन्स ए, और फिर बाकी आप +1 +1 करते करते पहुंच जाए, और बाद में आगे आप जितना करते जाएंगे तो आपको बी सी डी डायरेक्टली याद होंगे। तो मुझे भी अभी तक सारी मैपिंग डायरेक्टली याद नहीं होती, मैं ए याद रखता हूँ, सी याद रहता है मुझे, एफ याद रहता है, बाकी मैं उसको प्लस माइनस करके खुद ही से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ ए और एफ भी याद रहता है तो काफ़ी है, ए 10 है स्टार्टिंग और एफ 15 है, बाकी बीच वाले आप प्लस माइनस करके खुद ही डिफरेंस में रन टाइम पे कर सकते हैं। ठीक हो गया, हेक्साडेसिमल भी आसान है। अच्छा, मैंने हेक्साडेसिमल पहले इसलिए बता दिया कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऑक्टल पे आते हैं, ऑक्टल में आपको याद होगा कि काउंटिंग सिर्फ जाती है 7 तक, तो ये देखें ये इक्वेलेंट है 7 तक, जो कि डेसिमल का 7 है। ठीक है, सेम, लेकिन 7 के बाद जो 8 है, डेसिमल का 8 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू 10 ऑफ ऑक्टल, 9 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू 11 ऑफ ऑक्टल, 1 यानी 10 इज इक्वेलेंट टू 12 ऑफ ऑक्टल, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा और आखिर में कहां पर चला जाएगा, 17 चल जाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या हुआ, ये 10 क्यों लिखा हुआ है? अब हमारा जहन इसको 10 कह रहा होगा, लेकिन 10 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 12 है, और सिमिलरली ये सारे 1, 3, 1, 4 है, और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप अगर काउंटिंग याद करें, अगर मैं काउंटिंग आपको यहां से दिखाऊं कि ये रही हमारी काउंटिंग, काउंटिंग में हम कर क्या रहे होते हैं, काउंटिंग मेरी चलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक जाती है। 9 के बाद क्या होता है, ये पहला डिजिट मैं यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद दोबारा से ये पूरे के पूरे नंबर रिपीट कर देता हूँ 0 से लेकर 9 तक। तो ये देखें वही बात, 0 से लेकर मेरे नंबर 5 तक गए, मैं आगे 6, 7, 8, 9 तक जाएंगे, फिर 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, फिर 2 के साथ भी मैं क्या करूंगा वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंटिंग ऐसी ही चलती है। तो हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल हो, इसमें भी काउंटिंग ऐसी ही चल रही है, इसमें टोटल 7 तक जाया जा सकता है। तो जब 7 तक मैं चला गया हूँ तो मैंने ये वाला नंबर यहाँ से पिक किया, यहाँ लिख दिया, और इसके साथ मैंने यही पूरी की पूरी काउंटिंग रिपीट कर दी 0 से लेकर 7 तक जा सकता हूँ, तो 0 से लेकर 7 तक मैंने लिख दी। फिर अगला नंबर 17 के बाद क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? 17 तक चला गया, 17 के बाद फिर काउंटिंग खत्म हो गया, अगला नंबर क्या आएगा, कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा मुझे कि ऑक्टल में अगर 17 के बाद मैं अगला नंबर जानना चाहूँ तो वो क्या आएगा? कोई भी गैस कर लें, कोई इशू नहीं है।
2-0, बिल्कुल सही बात है, 2-0 आएगा। ठीक है, 2-0 क्यों आएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, जब मैं 19 पे पहुंचता हूँ तो फिर क्या होता है, 20 आ जाता है, यानी 2-0 आ जाता है। तो इसमें 19 तक तो नहीं जा सकते, इसमें समझ लो 17 तक जाऊंगा। 17 के बाद जो अगला नंबर इसमें आएगा वो आएगा 2-0, फिर वो 2-0 2-1 2-3 करेगा, 2-7 तक जाएगा, यानी इसके अगला नंबर आएगा 2-0, और फिर वो जाएगा कहाँ तक, 2-7 तक जा सकता है मैक्सिमम, और फिर 2-7 के बाद वो उसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर वो 3 के साथ 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, फाइनली 3-7 तक जाएगा, फिर 3-7 के बाद उसमें क्या आ जाएगा, 4-0 आ जाएगा। तो इस तरीके से काउंटिंग चलती है एंड सो ऑन। हेक्साडेसिमल में एफ के बाद कोई बता सकता है मुझे क्या आएगा, गेस कर लो, हेक्साडेसिमल में एफ हो गया, एफ के बाद क्या आएगा, एनीवन? नहीं ना, एफ का जी नहीं आएगा, यही तो बताया था, सिर्फ एफ तक है, जी नहीं आएगा। एफ के बाद क्या होगा, देखो इसकी भी पूरी की पूरी 16 डिजिट की साइकिल कंप्लीट हो गई। जब कंप्लीट हो गई तो मैं यहाँ से वन पिक करूंगा, ये वन लिखा, और उसके साथ ये सारे नंबर रिपीट कर दूंगा, यानी 1-0 आएगा, फिर 1-1 आएगा, फिर 1-2 आएगा, एंड सो ऑन, फिर ये चलते 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 आखिर में कहाँ पे पहुंच जाएगा, 1F पर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से पूरा हो गया तो ये नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, फिर 2 के साथ 0 आएगा, फिर 2 के साथ 1 आएगा, एंड सो ऑन, फाइनली ये कहाँ तक पहुंचेगा, 2F तक पहुंच जाएगा। फिर 2F के बाद क्या होगा, 3-0 आ जाएगा, फिर 3-0 चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर पैटर्न वही है, लेकिन अब देखो हमारा जहन इस चीज को थोड़ा सा जो है ना रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम अभी तक डेसिमल सिस्टम में काउंटिंग करते आए, लेकिन मैंने आपको जैसे कि कन्वर्जन करके बताया ना, डेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, सब एक ही जैसे हैं, वैसे ही काम करते हैं, बस रेंजेस में फर्क है। डेसिमल में 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की रेंज है, बाइनरी में 0 से लेकर 1 तक की रेंज है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक की रेंज है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक की रेंज है, लेकिन प्रिंसिपल सब कुछ वही है, बिल्कुल वैसे ही नंबर रिपीट होते हैं। जब खत्म हो जाता है तो आप आगे इंक्रीमेंट करके दोबारा से पूरी की पूरे नंबर रिपीट करते हो, तो ये चलेगा वैसे ही, लेकिन थोड़ा यूज्ड टू होने में इसमें टाइम लग सकता है। हाँ नहीं, 7-0 के बाद क्या होगा आप बताओ। अच्छा मैं इसका एक सवाल बड़ा अच्छे से पूछता हूँ। 7-0 के बाद क्या होगा, ये मैक्सिमम 7-7 पे पहुंच जाएगा, 7-7 के बाद क्या आएगा, सेवन सेवन के बाद क्या आएगा, आपका क्या ख्याल है अगर ऑक्टल की बात करो? नहीं, 80 तो आ ही नहीं सकता ऑक्टल में। 7-7 के बाद बिल्कुल वही होगा जो डेसिमल नंबर में 99 के बाद होता है। 99 के बाद क्या आता है, 99 में के बाद क्या आता है, 100 आ जाएगा इसमें, यानी ये दोनों दोबारा से रीसेट हो जाएंगे और अगला वाला इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि आज के लेक्चर इसके लिए है नहीं। मैंने थोड़ा सा पैटर्न बताने की कोशिश की, बाकी आप पर छोड़ता हूँ, उसको रिसर्च कीजिएगा, लेकिन हमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत है, हमें फिलहाल जो है ना 16 तक जाना बस काफी है। ठीक है, तो 16 तक के याद रखें, लेकिन आगे की भी मैंने तरीकेकार बता दी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 16 तक क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मेरा ख्याल से लेक्चर हमारा कंक्लूडेड है, पहला आज का, तो यहाँ पे मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ, एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।